हे गाइस, तो चलो कॉलेज चलते हैं। तो फाइनली कॉलेज पहुंच गई। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी पहुंच गई मैं कॉलेज। तो आज हमारे कॉलेज में था दिवाली फेस्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो मैंने एंट्रेंस करा तो यहाँ पे काफ़ी कलरफुल थीम रख रखी थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह भी रखे थे और मौसम तो क्या लाजवाब हो रहा था भाई साहब। मतलब आप मानोगे नहीं, अभी तक पूरा इतना सुंदर व्यू था। फिर उसके बाद यहाँ पे सारे स्टॉल्स लगे हुए थे अलग अलग तरीके के, कोई ज्वेलरी का था। कॉटन कैंडी 50 रुपीज़ पर खाइए। इसके बाद हमें फाइनली कैंडी मिल गई थी और ये 50 रुपीज़ का था, तो भाई इतना बड़ा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी मतलब इतनी क्यूट क्यूट जो है मफ़िन केक्स वगैरह थे, पेस्ट्री डोनट्स, इतना सुंदर लग रहा था ना सब कुछ देखने में। बहुत लोगों ने अपने हैंडक्राफ्ट चीज़ें बनाई थी, जैसे ये टोट बैग है हैंडक्राफ्ट है। यहाँ पे कपड़े भी मिल रहे थे, मतलब साड़ी कपड़े मिल रहे थे, तो काफ़ी अच्छा लगा देखकर। और एयरिंग्स भी था, काफ़ी महंगी चीज़ें थी। देन ये जो है चाइनीज़ लोगों ने लगा रखा था। फिर उसके बाद ये जो है चाइनीज़ लोगों ने यहाँ पे लगा रखा था। मोमोज इतने टेस्टी थे यहाँ के। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव था बट काफ़ी टेस्टी था। देन उसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी वगैरह की शॉप दिख जाएगी। और ना मतलब एयरिंग्स इतने क्यूट क्यूट थे बट यार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि कॉलेज ही JMC है। फिर उसके बाद इन्होंने दीपावली का सामान लगा रखा, क्योंकि दीपावली का फेस्ट था और दीपावली का सामान ना तो क्या ही मज़ा आएगा। तो काफ़ी सुंदर चीज़ें इन लोगों ने हाथ से मतलब खुद बना रखी थी। और कुछ यहाँ पे जो स्टॉल्स लगाए थे वो हमारे कॉलेज के बंदे भी थे, तो ये नाम था। काफ़ी सुंदर डेकोरेशन कर रखी थी, तो NSS की तरफ से ये जो है फेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, काफ़ी सुंदर था। देन उसके बाद ये मतलब इतना अच्छा पूरा व्यू लग रहा था। यहाँ पे डांस के लिए भी आ रखे थे और फिर उसमें हमने मोमोज खाए। गाइस ये देखो मोमोज खा रहे हैं। कैसे हैं वेज? हमने तो चिकन खाए हैं। वेज भी अच्छे हैं। नहीं बहुत खा लिया वैसे यार। देन उसके बाद जो यहाँ पे बहुत भीड़ लग गई थी, क्योंकि डांस जो है प्रोग्राम शुरू होने वाले थे और स्कूल्स के बच्चे आए थे डांस वगैरह करने, तो काफ़ी इन्जॉय करा। तो आप भी इन्जॉय करो।
फाइनली पूरे प्रोग्राम जो है ख़त्म हो गए थे और मैं आई थी जिम के अंदर थोड़ा एंजॉय करने, फिर ढोल की आवाज़ आई तो एंड में मैंने ये ट्राई करा जो 60 रुपीज़ का मिल रहा था वाई वाई और वेजिटेबल्स का, तो मैंने कहा चलो देखते हैं खा के कैसा टेस्ट है इसका। तो मैंने ये खाया तो अच्छा था, खा के देखते हैं क्या है। फिर इसके बाद हमारे कॉलेज में ये मिट्टी का जो घड़े वड़े बनाते हैं यार, ये भी था तो काफी। ये खाते हुए हम जा रहे हैं कैंटीन की तरफ क्योंकि हमारे बजट से बाहर है यहाँ। इस मेले में 100 रुपए के छोले भटूरे का तो वो तो 30-25 रुपए की प्लेट बिकती है। तो अब हम जा रहे हैं अपने थोड़े सस्ते वाले कैंटीन में कॉलेज के और वहाँ से हम लेंगे 50 रुपए के छोले भटूरे। चलो चलते हैं। कैंटीन में भी इतनी भीड़ है क्योंकि बच्चों को पता है भाव बहुत महंगा मिल रहा है। गाइज ये राजमा चावल लाए हम, चाउमीन, ये इसके छोले भटूरे, कितने खाती है रानी, और एक पानी पाड़ा। चलो खाने स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर अपने जूनियर्स के साथ एंजॉय करा, रील्स वगैरह बनाई क्योंकि वो भी अपलोड करनी होती है। फिर हम निकल गए हैं कॉलेज से क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बोरिंग हो गया था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग दिल से एंजॉय करेंगे। अब हम जा रहे हैं कहीं घूमने तो हम आपको दिखाते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। यस गाइस, बने रहना। बाय बाय।